गाइस दिस इज मी नितिन गुप्ता एंड यू वाचिंग वर्स्ट चैनल नितिन। सो गाइस आज का जो व्लॉग है वो कोई ट्रेवल व्लॉग नहीं है, बट हाँ ट्रेवल व्लॉग से रिलेटेड ही कुछ है जो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और बहुत दिन से मैं सोच रहा था लेने को, और हमेशा तो यार मोबाइल से ही शूट करता था ट्रेवल व्लॉग, और बहुत से ऐसे मोमेंट होते थे ना यार कि मतलब मिस हो जाते थे। जैसे मैं कोई मोमेंट हुआ यार, कुछ हुआ, मुझे रिकॉर्ड करना है, वो चीज़ मोबाइल निकालता था पॉकेट से और उसके बाद फिर पासवर्ड डालूँ मोबाइल में, फिर उसके बाद कैमरा ऑन करूँ, फिर उसके बाद तब तक वो तो मतलब मोमेंट चला ही जाता था। तो सोचा यार कि मतलब एक एक्शन कैमरा ले लेता हूँ, और सो फाइनली एक एक्शन कैमरा मैंने ले लिया। बहुत सारे मतलब कुछ पार्ट टाइम जॉब किया मैंने और इधर उधर पैसे इकट्ठे करके, सो मैंने ले लिया एक एक्शन कैमरा, और ये आ गया है HD Cam 6 Legend है और 9299 का है, पड़ा है मुझे। एक्चुअली कुछ थोड़ा बहुत मतलब डिस्काउंट चल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया और आ गया, नहीं तो 10,499 का था। मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था यार कुछ और कम हो जाए, कुछ और कम हो जाए, तो फाइनली ये आ गया है। और क्योंकि इस माय बर्थडे तो सोचा कि यार खुद को ही गिफ्ट कर लेता हूँ मैं अपने बर्थडे पर, क्योंकि फ्रेंड लोग तो सारे कमी नहीं होते हैं, देते ही नहीं है कुछ गिफ्ट। तो सोचा यार कि मैं खुद से ही अपने आप को गिफ्ट दे देता हूँ कुछ। तो चलते जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और आप लोग कभी बोर नहीं करूँगा, क्योंकि कोई ट्रेवल ब्लॉग नहीं है, नहीं तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं। आप इसको रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जायरो सेंसर भी है और 2 स्क्रीन है फ्रंट एंड बैक, मतलब टच स्क्रीन भी ये है, और 30 मीटर तक आप इसको वाटर मतलब पानी में भी डाल सकते हो इसके केसिंग के साथ जो इसका केस रहता है, और फिर उसके बाद 10 मीटर तक आप बिना विदाउट केसिंग भी डाल सकते हो। और ये आप प्ले स्टोर और आईफोन के स्टोर से भी, आप ऐप स्टोर से भी कर सकते हो, और इसका ऐप डाउनलोड करके आप अपने मतलब मोबाइल से एक्टिवेट सारे फंक्शन को कर सकते हो, ऐसा कुछ है। मैं भी अभी मुझे भी इतना कुछ पता है नहीं है, जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, वैसे तो हो ही चुकी है। और इसमें बहुत सारे एक्सेसरीज दिए हुए हैं जो अभी किस किस यूज़ का है मुझे भी अभी प्रॉपर पता नहीं है, सो आगे देखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, अगर कुछ भी पता चला तो मैं अपने ब्लॉग में बता दूंगा। ये चार्ज करने के लिए है, बाकी हेलमेट वगैरह में माउंट के लिए है, और ये रहा कैमरा। भाई बहुत खतरनाक इसका लॉक है यार, ओ खुल गया, अच्छा ओके। सो ये है इसका, सो ये ऑन ऑफ क्या है, और ये कुछ सेटिंग का है, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हो आप यूएसबी के लिए, ये है, और यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड ऑन ऑफ होगा, सही है। आगे भी टच स्क्रीन भी दिया हुआ है, ये सॉरी टच स्क्रीन नहीं है बट हाँ पीछे टच स्क्रीन है इसका, तो ऑन करते हैं इसको जल्दी से, ऑन हो रहा है, पीछे से ही कुछ इस तरह से व्यू है। ओ भाई आ रहा है प्रॉपर, इसमें सारे फंक्शन आप टच से कर सकते हो, जैसे कि लाइक रेजोल्यूशन है इसका, मतलब आप 4K तक कर सकते हो, 1080 तक है, 720 तक है इसका, और ये 240 FPS है। तो नेक्स्ट है लोग रिकॉर्डिंग में है, कितने मिनट आप करना चाहते हो, इसके बाद FOV है, कुछ पता नहीं मुझे क्या चीज़ है, लो लाइट है, और डायरो सेंसर है, मेन तो यही है यार, मतलब डायरो, और ऑडियो सही है, वॉल्यूम ऐसे किसका सही है, वैसे भी मुझे फंक्शन पता नहीं है, भैया है उनके पास है तो मैं इनसे है। अच्छा वीडियो लैप्स है, टाइम लैप्स आप कर सकते हो, स्लोमो रिकॉर्डिंग, ओ भाई स्लोमो रिकॉर्डिंग दिया हुआ है, एक नंबर यार, तो 2x पे कर सकते हो स्लोमो रिकॉर्ड। तो गाइस ये जो माउंट है ये आता है 1000 का, और ये कैमरे के साथ नहीं मिलता है, इसको आपको अलग से मंगाना पड़ेगा, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये कौन सा है। तो बहुत लोग एमसील लगा के करते हैं यार,
लेकिन वो क्या है ना कि ये हेलमेट में वो मतलब गिरने का चांस भी रहता है थोड़ा बहुत, और हेलमेट भी बेकार से मिलता है यार, वो अच्छा नहीं लगता। सो इसको 1000 का अलग से मंगाना पड़ता है, ये मेरा नहीं है, मैंने स्टैंड से लिया हुआ है। सो चलते हैं और वीडियो इसको पहले करते हैं इसमें ऐड, और चलते हैं बाहर और देखते हैं कैसा क्या नज़ारा आता है इससे, और आप लोग को भी दिखाते हैं, क्लियर डाउट करते हैं कि कैसे क्या है, क्योंकि भाई GoPro तो बहुत महंगा है। सो मेरे बजट में यही था, मैंने इसको मंगाया। तो जल्दी से चलते हैं बाहर और फिर दिखाता हूँ आपको नज़ारे बाहर के। चलते हैं संगम की तरफ, संगम में ही तो सुकून है। लेट्स गो। चलते हैं और चेक करके बताते हैं आपको कि कैसा है। वैसे तो मुझे अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, बट देखते हैं कैसा क्या इसका है। और अभी वैसे मैं ज़्यादा कुछ सेटिंग किया नहीं हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मुझे अभी पता नहीं था। वीडियो कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, और कुछ भी अगर ऐसे कैम से रिलेटेड कुछ भी पूछना होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट किया है तो यार इसको ये वीडियो शेयर करो और बताओ ये कैमरा लेने को, क्योंकि बहुत सही है यार, मतलब 10,000 में क्या चाहिए आपको। बट हाँ, इसके साथ माइक भी नहीं आती और ना ही हेलमेट का माउंट आता है, सो आपको अलग से परचेस करना पड़ेगा वो। और यार बर्थडे था मेरा तो सोचा खुद को गिफ्ट कर लेता हूँ, सो कर लिया, और बहुत जल्द आपको एक से एक ब्लॉग दिखेंगे अब इससे। सो चलते हैं, किसी और ब्लॉग में मिलेंगे आपसे, और मेरे बहुत से ब्लॉग आने वाले हैं, तो एक दो क्लिप में अपने नेक्स्ट ब्लॉग का दिखा देता हूँ आपको, और गैस करके बताओ कि ये लोकेशन कौन सी है। और मिलते हैं फिर बहुत जल्द ब्लॉग के साथ। ओके, लेट्स गो, बाय बाय, लव यू ऑल। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद।